मैं नीलम सिंह आज आप सभी लोगों के लिए झटपट नाश्ता लेके आई हूँ जो सूजी से बनता है। उसे बनाना बहुत आसान है। आप लोग भी हमारे बताए हुए अनुसार बनाएंगे तो आपका भी नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आपके वहाँ कोई गेस्ट आया हो, बच्चों को देना हो, 5 मिनट में नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। आपके जो गेस्ट आए हैं आपकी तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं। मेरे बताए हुए अगर अप्पे बनाएंगे तो आपकी अप्पे बिल्कुल टेस्टी और स्पंजी बनेंगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अप्पे बनाने के लिए इन सभी सामग्री की जरूरत पड़ती है, जो कि मैंने 3 कटोरी रवा ले लिया है और स्वादानुसार दही या मीठा कुछ भी हो आप ले सकती हैं। स्वादानुसार नमक डालने के लिए पानी। चलिए मैं इसको फेंट के बताऊंगी कि अप्पे कैसे बनाए जाते हैं। अप्पे का बैटर तैयार कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा ताकि आपके बैटर अच्छा बने। मेरा बैटर स्मूथ हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के और चलाऊंगी और बीच बीच में आप चेक करते रहिए कि आपके बैटर में लम्स नहीं आए। यदि आपके बैटर में लम्स आ जाएंगे तो आपके अप्पे अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए आप लोग बराबर इसको चला के चेक कर लीजिएगा कि इसमें लम्स ना पड़े। बैटर को ज़्यादा थिक नहीं रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आप लोग स्वाद अनुसार अपने नमक इसमें ऐड करिएगा। अब मैं इसको चलाते हुए नमक को मिला रही हूँ। देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया है अप्पे बनाने के लिए बैटर। आप लोग भी हल्के हाथों से चलाते हुए बैटर को बनाइए, तभी आपका अप्पा अच्छा बनेगा। मेरे अप्पे के बैटर बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको आधा घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए रखूँगी। अब मेरा बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें कटा हुआ धनिया, कटी हुई प्याज, थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल दी इसमें, कटी हुई हरी मिर्च। आप लोग अपना स्वाद अनुसार मिर्च डाल सकती हैं क्योंकि बच्चे लोग नहीं खाते हैं। बिल्कुल तैयार के नमक मैं पहले से डाल दी थी इसमें। आप लोग भी इसी तरह अप्पे का तैयार करके बैटर अप्पे बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। और चटनी के साथ खाइए, मीठी चटनी से खाइए, खट्टी चटनी से खाइए। हमारे वहाँ तो सब लोग खट्टी चटनी से पसंद करते हैं। देखिए मैं इसमें आधी टीस्पून सोडा ऐड कर रही हूँ, इससे अप्पे बहुत अच्छी तरह से फूलते हैं। इसको चलाइएगा जैसे मैं चला रही हूँ, क्योंकि इसमें खमीरा आ जाए। अप्पे बनाने के लिए ये रेडी हो गया है। अब अप्पे खूब अच्छी तरह से फूलेंगे, ऐसे जी बनेंगे। इसमें सोडा ज़्यादा मत डालिएगा। कुछ लोगों को शिकायतें आती हैं कि मेरे अप्पे लाल बन गए, इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा डालिएगा कि अप्पे बिल्कुल सही दिखें। अप्पे वाले स्टैंड है मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और इसमें अप्पे बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई चिपकने का डर नहीं रहता है। आप लोग भी इसी तरह से स्टैंड मंगवा लीजिएगा, अप्पे बनाइएगा आराम से अपने घर पे। कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के। ये ऑयल रिफाइंड किसी चीज़ से ग्रीस कर सकती हैं, इससे ये रहेगा अप्पे बिल्कुल
पे आपके स्पंजी और मुलायम बनेंगे। इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके बैटर भरूंगी। मैं स्लो गैस पे इसको बना रही हूँ। देखिए बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। इसे आप स्पून की सहायता से पलट सकती हैं, बहुत आसानी से पलट जाती है। आप लोगों को लगे थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो आप डाल सकते हैं। अगर आप स्लो गैस पे बनाएंगी तो आप अप्पे अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएंगे, नहीं तो अप्पे कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा स्लो गैस पे ही इसको पलट के पका लीजिए। अब तक बिल्कुल गोल गोल निकलेंगे। इसको बनने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है। देखिए अब तक कितने अच्छी तरह से गोल गोल अपने आप फूल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सोडा पड़ा है उससे खमीरा उठ जाता है, अप्पे आसानी से फूल जाते हैं। अप्पे में बिल्कुल चिपकन सी नहीं आ रही है, इससे पता चलता है कि अप्पे बनके रेडी हो चुके हैं। आप लोग भी इसी तरह आराम से अपने घर पे अप्पे बनाइए और खूब खाइए नाश्ते में। देखिए कितना कम तेल में कैसे बनके तैयार हो चुका है। कि डायबिटीज हो वो लोग आराम से खा सकते हैं अप्पे को, कम तेल में बनता है। आप लोग भी अपने घर पे अप्पे बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। देखिए अप्पे कितने गोल 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 मटोल अच्छे बने हैं। आप लोग भी मेरे बताए अनुसार बनाएंगी तो आपके अप्पे इतने परफेक्ट बनेंगे। और चटनी के साथ एंजॉय करिए। कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर।